मोहन सिंह बिस्ट जी। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे अल्पकालिक चर्चा में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। महोदय, बड़े लंबे समय में इस विधानसभा सत्र को देखा और अल्पकालीन चर्चा में जिस प्रकार से इस चर्चा को प्रारंभ किया गया, उसे उसके एक भी बिंदु को छुया नहीं गया। जहां सीबीआई और ईडी दोनों विषयों को लेकर के और मुख्यमंत्री के तुच्छ आधारों की तरफ गिरफ्तार करने, इन वही विषयों पर इस पर चर्चा होनी थी, चर्चा उन विषयों पर नहीं हुई। यदि आपने स्पेशल सेशन बुलाया है तो उन पर चर्चा होनी चाहिए थी। बहुत बड़ा दुर्भाग्य इस सदन के अंदर कि विषयों पर चर्चा नहीं हो रही है, उससे हट करके चर्चा हो रही है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि चर्चा उस विषय पर जरूर हो जिसकी वजह से इस हाउस को बुलाया गया, ये मेरे आपसे निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में ये सदन नियम, संविधान और कायदे और कानून के आधार पर चलता है। इस सदन की एक अपने आप में मर्यादा है, लेकिन जिस प्रकार से इस सदन को बुलाया गया, ना तो नियमों का ध्यान रखा गया, ना संविधान का ध्यान रखा गया, इसमें सिर्फ धज्जियां उड़ाने के सिवाय इसमें कोई काम नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं स्पीकर तो इस सदन के एक मर्यादित और उनके आधार पर यह सदन चलता है, लेकिन आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह सदन रिमोट और कंट्रोल के आधार पर जिस प्रकार से चल रहा है, इससे बड़े दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। मेरा सीधा सीधा कहना यह है मैडम कि दिल्ली के अंदर जो शराब घोटाला हुआ था, जिस घोटाले के अंदर आज दिल्ली के अंदर एक भयावह स्थिति बनी हुई है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। करें ना सदन के अंदर, किस लिए आते हैं हम लोग, 70 के 70 मेंबर इसलिए आते हैं कि दिल्ली के बारे में चर्चा हो, दिल्ली के अंदर एक अच्छा मैसेज जाए, इस प्रकार की चर्चा होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज हम जिस प्रकार की चर्चाओं को कर रहे हैं, मेरे को लगता हर बात पर यू टर्न, एक लगता है कभी हम केंद्र के बारे में, फिर दूसरे तीसरे, हमको तो लग गया, मेरे को ऐसा लगता है केंद्र सरकार का पोलियो इस सरकार को मार गया, इसलिए यह इस प्रकार की बातों को कह रही सदन के अंदर। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की यदि वास्तव में हालत होनी चाहिए, दिल्ली के अंदर पीने की किस पानी की क्या हालत है, मैं जिस एरिया से चुन करके आता हूं, मैं पहली बार सदन का मेंबर नहीं मैडम, मैं पांचवी बार हूं, आज पीने का पानी की एक बूंद पानी नहीं है वहां। यदि उस बात पर भी चर्चा हो जाती तो निश्चित रूप से मेरा जैसा व्यक्ति तो आपके इस सदन की, आपकी कुर्सी का भारी रहता। क्यों हुआ घोटाला उसमें, किसने घोटाला किया, कौन था उसके बैक स्पोर्ट में, ऐसे लोगों को, घोटाले बाजू को निश्चित रूप से जेल की हवा खानी चाहिए और खिलवानी चाहिए। क्यों नहीं चर्चा होता है पीने के बारे में, कौन तय करेगा उसके लिए दिल्ली के लोगों के भविष्य को, सरकार ए की हो या बी की हो, सरकार का नैतिक दायित्व बनता है कि वो उन समस्याओं के समाधान के लिए प्लानिंग बननी चाहिए। आज दिल्ली के अंदर पीने का पानी नहीं है, लोग प्यासे मर रहे हैं। मैडम, यदि आपको सत्य कहूं तो सुबह हम जब देखते हैं लोग गालियां देते हैं, भले ही वो किसी को दे, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमें भी गालियां मिलती हैं, हम सरकार को गालियां देते हैं क्योंकि हम कर नहीं सकते हैं, हमने हाथ खड़े कर दिए। मेरा कहना सीधा सीधा है कि ऐसी बातों पर चर्चा हो तो वास्तव में अच्छा लगता है। आज जिस स्कूलों का इसी सदन के अंदर, पूरे देश के अंदर एक फोबा बनाया जा रहा है, साफ
दिल्ली का एजुकेशन का मॉडल देश के अंदर नहीं विदेशों के अंदर जिसकी गाथा को ये लोग गा रहे हैं, आप देख लीजिए। अब मैं जहां से चुन करके आता हूं, एक बारिश हुई थी, सिर्फ एक बारिश, घुटने घुटने पानी, बच्चे स्कूल के अंदर नहीं जा सकते। भाई बोलने दीजिए, भाई बोलने दीजिए। स्कूलों की इतनी अभी तो पेट में दर्द होगा, चिंता मत करो महाबल मिश्रा। कुलदीप जी, मिश्रा जी, आपके बाप के साथ कई है मेरे मिश्रा जी, कोई तरीका है? मैं कोई तरीका है? मैं चर्चा कर रहा हूँ अपने एरिया की, आप भी रखिए ना कोई। मैं बोल रही हूँ, कुलदीप जी आप शांति बोलने दीजिए। मैडम कोई बात नहीं, मेरा तो सिर्फ आपसे निवेदन है, और मैं जब किसी को डिस्टर्ब करना पसंद नहीं करता, लेकिन कोई भी डिस्टर्ब करना या गलत बात या गलत नियम सरकार के सत्ता पक्ष क्रांति पक्ष और कोई बात नहीं करना चाहिए। वो नाक कान आंख का काम कर रहा है, इसलिए उस पर गलत बात। आप इधर आप शांत कुलदीप जी, मैं जिस सदन का मेंबर हूं मैं उस सदन की बात कर रहा हूं, जिस सरकार की ड्यूटी बनती मैं उस सरकार से कहता हूं। इसलिए मैडम इसमें ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, उसका चिंतन और मनन करना चाहिए। दिल्ली के लोगों का भविष्य कैसे, बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो, उसके लिए हमको काम करना चाहिए। दूसरी बात मैंने कहा, ये आज की चर्चा सीबीआई और ईडी पे लगाई। अरे शराब का घोटाला किस सरकार ने किया, कमीशन 2% से बढ़ा करके 12% किसने की, कौन थे इसमें वो लोग, दिल्ली को शराब की नगरी बनाने के लिए कौन लोग पहल कर रहे थे। ये केस भाजपा ने नहीं कराया, मान लिया दो दो आपके मंत्री जेल में हैं, क्यों जेल में हैं, क्यों जेल में गए हो? यदि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया तो मेरे को लगता है वो जेल में नहीं जाने, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आज कोर्ट उनकी जमानत नहीं दे रहा, एक एक साल होने वाला, किसी को 50 दिन होने वाले। मेरा सीधा कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं दोषी वो व्यक्ति है जिसकी सह पे यह सरकार चल रही है, इस सरकार का। मैडम हम एक बार भोपाल में गए, उसमें भोपाल के चीफ मिनिस्टर गहलोत जी थे, तो मैंने उनसे, हम आपस में बैठ करके बात कर रहे थे, हमने पूछा यार एक बात बताओ, आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है? कह लगा नहीं। मैंने कहा भाई पोर्टफोलियो वगैरह क्यों नहीं लिया आपने? कह रहा मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूं, मैं मॉनिटरिंग करता हूं इनकी, आज यदि पोर्टफोलियो के अंदर न होते हुए सरकार के नाक आंख कान के बीच में से यदि भ्रष्टाचार हो जाता है तो निश्चित रूप से सरकार का मुखिया भी उतना ही दोषी है जितना भ्रष्टाचारी है, यह मैं कहना चाहता हूं। होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, दिल्ली का वातावरण खराब नहीं होना चाहिए। मैडम इन पर चर्चा होनी चाहिए थी, हम चर्चा कभी कहां की कर रहे, कभी किधर की बात कर रहे, आखिर दिल्ली के अंदर यह बात हुई तो क्यों हुई? आज मुख्यमंत्री जी को मान लिया सीबीआई और ईडी नोटिस दे रही है, अरे पूछताछ में यदि पाक साफ है तो जवाब देने में किस बात का डर? क्यों दिल्ली के अंदर वातावरण खराब कर रहे हो? कल हमने देखा पुलिस वाले जगह जगह बैठ गए, मैं कहीं बाहर से आया तो मैंने पूछा भाई आज क्या है, कह लगे वो आज तुम लोगों का भी घेराव कर रहे हैं। मैंने कहा भाई हमारा घेराव क्यों करना है, ना हम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार से कोसू तक हमारा संबंध है, तो इस प्रकार का ये नहीं होना चाहिए। मैडम मेरा सीधा आपके माध्यम से एक बात और कहनी है, आज वृद्धा पेंशन अभी बहुत बोल रहे थे ना, वृद्धा पेंशन की क्यों नहीं वृद्धा पेंशन लग रही है? 2018 के बाद
वृद्धा पेंशन कोई नहीं लगी। यही नहीं, यदि आप देखेंगे वो बुजुर्ग आपके कार्यालय में भी आते होंगे, कहते होंगे मुझे मेरे बच्चों ने आप बाहर निकाल दिया, मैडम मेरी पेंशन लगा दो। उनका सहारा सिर्फ ये होता है कि 2500 रुपए में ज्यादा गुजारा तो हो नहीं सकता है, लेकिन ये ड्यूटी किसकी बनती है? घोटाले में करोड़ों रुपए का तो घोटाला हो सकता है, उसको चुनाव में तो खर्च किया जा सकता है, उनकी चिंता कौन करेगा? मैडम आप और हम सब लोग चर्चा करेंगे, हम सब लोग इसमें शामिल हैं। यदि दिल्ली का मुख्यमंत्री बनता है तो 70 में हमारा भी मुख्यमंत्री है भाई, उसमें दिमाग से निकाल लीजिए। यदि मंत्री है तो हमारा भी मंत्री है, लेकिन दिल्ली के ऊपर यदि भ्रष्टाचार का पूरा आरोप लगता है, सरकार किसी की हो लेकिन वो कहीं ना कहते आप भी उस सरकार में शामिल है, तुम्हारी सरकार क्या कर रही है, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए मैडम ये चर्चा अभी मैं देख रहा था इसी के अंदर, मेरे को तो पहली बार है मैं अल्पकालीन चर्चा को देख रहा, मैंने पढ़ भी रहा था, तो मुझे नहीं पता राजेश गुप्ता जी ने इसको सदन में रखा, इसमें 2-3 मेंबरों के और नाम थे। मैं पूछ रहा था अपने लीडर अपोजिशन से, मैंने कहा क्या ऐसा पहले भी होता था? कह रहे मेरे को भी नहीं मालूम, मैं भी ऐसा ही। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, हमको राजनीतिक भावनाओं से, दुर्व्यवहार की भावनाओं से, मन के अंदर कुंठित होनी भावना से उठ करके दिल्ली के लिए योजना बनानी चाहिए, जिसने इन घोटालों में जो जो लोग शामिल हैं निश्चित रूप से उनको सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली के लोगों का दर्द तभी हटेगा जब उनको इस पे न्याय मिलेगा, इतना ही मुझे कहना है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।